हे गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। खैर कैसे हो आप सभी लोग? हो गया मैं को लगा ही था। हाँ ओए वापस आ, मेरे को वापस करके देखना है। अबे साले एनीवे सो हे गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। खैर कैसे हो आप सभी लोग? होपफुली भाई सभी लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग मैं पिछले वाला एक वीडियो बनाया था। ठंडा नहीं करना है मेरे को। मैं कह रहा था कि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे को बताने वाला हूँ कुछ आर्क मोबाइल की सेटिंग्स के बारे में, जो कि न्यू प्लेयर्स को, काफ़ी न्यू प्लेयर्स को नहीं पता होती। और आई नो तुम लोग को याद होगा मैं इस टॉपिक पर ऑलरेडी एक बार वीडियो बना चुका हूँ लगभग एक साल पहले, बट उसमें मैं ही खुद न्यू था, मैंने पता नहीं किस बेसिस पर बना दी थी, जिसमें मैंने थोड़ी बहुत सेटिंग्स को मिस किया था। तो आई थिंक इस बार मेरे को नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं सोचा वापस एकदम फुल्ली एक्सप्लेन वीडियो बनानी चाहिए। और सेटिंग्स का तो तुम लोग को बताइए कि सेटिंग्स में हम लोग कैसे जाते हैं। तो सिंपली जो आप लोग यहाँ पे क्लिक करो, आप सेटिंग्स में आ जाओगे। अब देखो यहाँ पे बहुत चार सेक्शन होते हैं। गेम वाला सेक्शन हम सबसे एंड में लेंगे सेटिंग्स का। सबसे पहले हम लोग जो है कंट्रोल्स वाला सेक्शन लेंगे, क्योंकि गेम वाले सेक्शन के लिए मेरे को दूसरे सर्वर में जाना पड़ेगा उसकी एक सेटिंग के लिए, जो तुम लोग डिसेबल है तो अभी होगी नहीं। सो कंट्रोल्स के सेक्शन में जो सबसे पहली सेटिंग होती है हॉट बार लेआउट की, ठीक है। अब ये जो है ऑन स्क्रीन को आप फ्लो कर दो, अब नॉर्मली आपका फ्लो ही रहेगा, ठीक है, जिसमें आप लोग जो ऐसे नहीं सीन को, और आपको राइट से ऐसे स्वाइप करना है लेफ्ट की तरफ, और यहाँ से जो सेटिंग आ जाती है। अब ये सेटिंग के अंदर क्या होता है पता है क्या? इसके अंदर मतलब ये थोड़ी सी लेंदी सेटिंग है, मतलब लाइक इसको जो है अगर आप लोग ऑन स्क्रीन रखोगे तो क्या फ़ायदा होगा आपका? देखो ऐसे आपको जो सारी चीज़ें नीचे हॉट बार में आ जाएंगी, जिससे आप लोग इजीली जो है कोई भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हो। अब सपोज कि मैं जो है इसके अंदर जो है रुको हैचेट में ले लेता हूँ सपोज, ठीक है, और यहाँ पे रख देता हूँ, तो क्या होगा कि अगर जल्दी जल्दी मैं आप लोग इजीली हैचेट ये इसकी रुको मालूम इससे क्यों क्या रहा है। सो देखो हॉट बार में तुम लोग चीज़ों को लाइक रखोगे तो देखो तुम लोग ईजिली चीज़ों को एक्सेस कर सकोगे, लेकिन अगर देखो फ्लो रहेगा तो क्या सीन होगा? सपोज देखो ऐसे तुम लोग को ले सकते, मतलब देखो आप तुम लोग, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज पता नहीं क्यों हो रहा है बता रहा हूँ, ऐसे तुम लोग सपोज भाग रहे हो ऐसे पटाख से, मैं तुम लोग फ्लो करके जिसमें मारना है बहुत डिफिकल्ट पड़ता है। जस्ट तुम लोग इसको ऑन स्क्रीन कर दो और देखो सीधा ऐसे निकालो खुद बैंड मुँह पे, तो बात नहीं एक तो एक मारता नहीं ना और ज़्यादा गुस्सा आता है। बट ये वो सेटिंग है हॉट बार लेआउट की, जो बहुत ज़्यादा ईजी है अगर तुम ऑन स्क्रीन रखो। इसके बाद हम लोग की जो नेक्स्ट सेटिंग है वो है लेफ्ट मल्टी टैप एंड राइट मल्टी टैप। तो इन दोनों पे जो है मतलब ये दोनों एक ही है, सिमिलर ही है। सो इस पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसकी लिंक मैं तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम लोग चेकआउट करें। बट फिर भी अभी के लिए मैं इन्वेंट्री कर लेता हूँ, मैं तुम्हें बता देता हूँ ये क्या है। तो देखो अब तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखो इसके लिए मैंने व्यू इन्वेंट्री करके रखा है लेफ्ट मल्टी टैप में। अब सिंपली आपको जो है लेफ्ट में जो है दो उंगलियों से क्लिक करना है और आप बार बार इन्वेंट्री खुलेगी। तो यही होता है लेफ्ट मल्टी टैप और राइट मल्टी टैप में, अब लाइक शॉर्टकट से ये। तो इस टॉपिक में मैं पूरी एक्सप्लेन करके वीडियो बना दी, इसमें सब कुछ मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में बताया, तो डिस्क्रिप्शन में याद से लिंक दे दूंगा, चेकआउट कर लेना। बाकी हम लोग की जो नेक्स्ट सेटिंग है वो है हम लोग की ऑन स्क्रीन जो है जंप एंड अटैक। तो ये नन रहेगी तुम लोग की, सिंपली जो है तुम लोग स्वाइप अप करके, ऑफकोर्स अभी जंप करते होंगे तुम लोग, ऑफकोर्स न्यू होंगे अभी फिलहाल तो इसलिए देख रहे हो, पता नहीं अगर ऐसे टाइम पास के लिए देख रहे हो तो कोई बात नहीं, मनोरंजन कर लो तुम भी। बट ये जो तुम लोग का देखो स्वाइप करके जंप करना ईजी है, बट अगर तुम इसे स्मॉल बटन्स में रखो, लार्ज बटन जो भी तुम पे डिपेंड करता है। देखो मैं स्मॉल बटन्स में रखूंगा तो ऐसे साइड में जो है राइट में नीचे तुम लोग के दो बटन आएंगे, अगर इस मैं लार्ज में रखना प्रीफर करूंगा, मेरे को लार्ज बहुत ईजी लगता है, तो लार्ज और जंप ओनली भी तुम लोग रख सकते हो, जिससे क्या जंप ऐसे कर सकते हो, मारता इसमें मारता कैसे मेरे को भी नहीं पता, रुको इसमें मारने के लिए ये है बट मारता पता नहीं, अब मैं भी बहुत टाइम से इसको यूज़ नहीं है, मैं तो यही लार्ज वाला बटन का करता हूँ। और उसके बाद जो है लुक सेंसिविटी जो है नेक्स्ट सेटिंग है, जिसमें सेंसिविटी भाई लुक की होती है, तो ऑफकोर्स वो तो तुम्हें पता है कितनी रखनी है। इसके बाद जो हम लोग की नेक्स्ट सेटिंग है वो है इन्वर्ट लुक। अभी अगर तुम लोग इसको ऑन करोगे तो तुम लोग का फ़ोन पूरा पागल हो जाएगा, क्योंकि ये जो है मतलब लाइक तुम लोग ऊपर नीचे देखने के लिए नॉर्मली कैसा करता है, ये उसके अपोजिट करेगा, मतलब तुम्हें ऊपर देखने के लिए नीचे स्वाइप करना होगा और नीचे देखने के लिए ऊपर। ये बहुत ज़्यादा राइट लेफ्ट का तो कुछ नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा वियर्ड सेटिंग है। ये मैंने लास्ट टाइम सैन एंड्रियास में देखी थी ऐसी सेटिंग, उसके बाद मैं मोबाइल में इसमें देखी, उसके बाद मैंने किसी में अब तक देखी नहीं थी, बट मेरे को उतना याद है, तो ये मत ही करो तो अच्छा है। इसके बाद नेक्स्ट है टैप टू माउंट, ठीक है। तो ये सेटिंग क्या है मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये मेरे साथ अभी हुई थी ना, जस्ट टैप करने और आप लोग जो इसके ऊपर राइड कर पाओगे। अब नॉर्मली जो आप सीट के ऊपर क्लिक करके बैठते हो, बट इसमें क्या आप सिर्फ टैप भी करोगे तो बैठ जाओगे, तो ये एक अच्छी सेटिंग है। तुम लोगों को याद होगा इसके लिए ब्रांड वो बात में बता दूंगा, छोड़ो। और नेक्स्ट सेटिंग जो हम लोग लॉन्ग प्रेस ऑटो रन, सॉरी मेरा मतलब कि ऑटो रन, क्योंकि मैं गलती से लॉन्ग प्रेस भी पढ़ी था, मैं वही कंफ्यूज हो गया था ऊपर नीचे, बट ऑटो रन की कुछ नहीं नॉर्मल सेटिंग है। इसमें क्या होता है कि लाइक आप 2-3 सेकंड होल्ड करके रखो तो स्पीड भागने लगता है, ऐसी एक सेटिंग है ये, इतनी कुछ खास नहीं है, बट हाँ काफ़ी टाइम काम भी आ जाता है, नॉर्मली आप ऐसे ऐसे चलते हो, बट अगर ऑटो रन आप ऑन रखते हो तो ऐसे भागने लग जाता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरे को भी इतनी डिटेल में सेटिंग नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी यूज़ नहीं किया और इसका इतना कुछ मेरे लाइफ में तो काम नहीं था, तो ना ही मेरे को लगता तुम लोगों को कुछ काम हुआ। बट इसके अलावा अगर तुम लोग बता सकते हो तुम लोगों को ये सेटिंग बहुत अच्छी लगती है तो ऑटो रन की, बट हाँ यही है। इसके बाद जो हम लोग की नेक्स्ट सेटिंग है लॉन्ग प्रेस डिसमाउंट, एक्चुअली मैं दोनों को साथ में पढ़ लिया था इसलिए लॉन्ग प्रेस ऑटोमाउंट।
तो डिस अमाउंट का क्या होता है, लॉन्ग प्रेस मैं हमेशा इसे बंद रखता हूँ, क्योंकि क्या होता है और देखो इसको आप होल्ड करके रखोगे तो ऐसे डिस अमाउंट अप हो सकता है। अब बहुत बार क्या होता है कि पीटी के साथ हवा में उड़ रहा रहता हूँ, मतलब पेट्रोडॉन के साथ मैं टैनाडॉन सो कॉल्ड टैनाडॉन ब्ला ब्ला ब्ला, उसके साथ तो डिस अमाउंट होता है, मैं गिर के फिर हाथ पैर टूट जाते मेरे। बाकी हम लोग की जो नेक्स्ट सेटिंग है वो है लास्ट फ्लो बटन एंड लास्ट शूट बटन, तो ये दोनों का भी फिलहाल बंद कर दे तो अभी दोनों गायब हो चुका है। मैं सही से बता दो क्या है, तो पहले हम लोग शूट बटन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। शूट बटन जो है लाइक क्लॉ टाइप ऊपर आ जाता है, तो ये एक तो एक डीले क्यों मारता है सोलो में, डीले पता नहीं है कैसे मारते शूट के वक्त। और दूसरी फ्लो बटन की क्या होती है, फ्लो बटन देखो नीचे आते हैं, बहुत बंदे पूछते हैं FPV TTP की कैसे स्विच करते हैं, तो देखो ये फ्लो बटन क्या करता है, ऐसे जो भी लास्ट में चीज़ एक्टिविटी करोगे नीचे आ जाएगी और TPV ऐसे स्विच करते हैं, ठीक है। तो बहुत बंदे पूछते रहते हैं कि TPV से FPV कैसे करते हैं, तो ये ऐसे होता है। बाकी कंट्रोल्स मैं समझा दिया, वीडियो की बारी है। वीडियो में क्या पहले आती ग्राफिक क्वालिटी, जो आप डिपेंड करता है आपके ऊपर डिपेंड करता है। लैग बहुत बंदे पूछते हैं लैग कैसे कम करें, तो बहुत बार क्या होता है कि आप लोग हाई और मैक्स रिजोल्यूशन में खेलोगे तो लैग होगा ही, ग्राफिक कम करोगे तो लैग जाएगा, और रिजोल्यूशन कम करोगे तो लैग कम हो जाता है। भले आप लो में खेल रहे हो रिजोल्यूशन मैक्स है तो लैग हो जाता है, बहुत बार FPS जाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखो, रिजोल्यूशन थोड़े कम रखा करो, लैग भी मे भी थोड़ा कम हो जाएगा। बाकी शो कैरेक्टर नेम्स की जो एक ओपी सेटिंग है वो भी तुम लोगों को बता देता हूँ, मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। अब देखो जैसे कि मेरा पेट्रोडॉन यहाँ पे, अब मैं क्या करूँगा दीवार के आर पार जाऊँगा और शो कैरेक्टर नेम्स को ऑफकोर्स तुम लोगों को पता चलेगा होगा, ये सबके नेम्स दिखाएगा, बट अब देखो मैं दीवार के आर पार हूँ, राइट। अभी मेरे को क्या करना है, सबसे पहले जो मेरे को इसको एक सेकंड मार्क से इनेबल रिकॉर्डिंग नहीं करना मेरे को शो कैरेक्टर्स, ओके। सो अब यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो मेरे को सारे कैरेक्टर्स के नेम दिख रहे हैं, तो ये सेटिंग पीवीपी के लिए बहुत ओपी है। पीवीपी में आप लोग इजीली किसी भी डायनो का किसी भी बंदे का नेम देख सकते हो, अगर वो दुश्मन होगा तो फोड़ डालो, दोस्त होगा तो फिर, वरना ऐसे बिना नेम के ठोक दोगे तो वैसे ही नुकसान हो जाएगा। बाकी हम लोग की जो नेक्स्ट सेटिंग है वो प्लेयर स्टैट्स की सेटिंग, तो ये जो सिंपल सेटिंग है नीचे आपके सारे के सारे प्लेयर स्टैट्स आ जाएंगे, लाइक पहले आपको सिर्फ हेल्थ वगैरह के होते हैं, बाद में पानी वगैरह के भी ऐड हो जाते हैं, तो अच्छा इन्वेंटरी में बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये बैटरी वाली जो क्या होते हैं बैटरी बोल रहा हूँ क्या था रिकॉर्डिंग वाली, हाँ रिकॉर्डिंग वाली जो सेटिंग है बंद ही रखता हूँ मैं, सिर्फ गेम के अंदर से आप रिकॉर्ड कर सकते हो चाहो तो, बट स्क्रीन रिकॉर्डर से तो मेरा हो ही जाता है। और ये प्रिजर्व बैटरी मोड वाली सेटिंग भी आपको कुछ खास जरूरत करनी ऑन करने की जरूरत नहीं है, देख लो अगर आपके इसमें स्मूथ चल रहा है इससे गेम तो काफ़ी कुछ मोबाइल में चल जाता है स्मूथ इससे, बट मेरे में तो पूरे मैं गेम की माँ बहने को जाती पूरे ग्राफिक लो FPS लो तो बेकार है। और ऑडियो सेटिंग आपको पता है इसमें कुछ नहीं SFX वाले, और म्यूजिक कम करोगे तो SFX से तो नॉर्मल अपना जाएगा, और म्यूजिक भाई तू हर जगह क्यों आके बैठता है, कल के एपिसोड में तो मिसबस्टिंग इतना मार रहा था मेरे को, अबे एक सेकंड एक ग्लिच भाई भाग ऐसे, ओह ये तो चोच पे मरा है बंदा, सही है भाई आई एम द पेट्रोडॉन किलर। गेम सेटिंग्स को मैं बताऊँ उससे पहले मैं तुम लोगों को एक्स्ट्राज वाली चीज़ें बता देता हूँ जो एक्स्ट्रा इसमें दिया है। तो एक्सप्लोर नोट क्या होता है अभी ये भी बता ही देता हूँ, एक्सप्लोर नोट पे क्या है तुम लोग देख सकते हो कि तुम्हारी कौन सी एक्सप्लोर नोट तुमने खोली है और कितनी और बची तुम लोग खोल सकते हो। बाकी और मैनुअल सेव क्या होता है, अब देखो मैं मैनुअल सेव तुम लोग को सही से बताता हूँ। अब देखो बहुत बार क्या होता है कि सपोज तुम लोग कोई डंजन वगैरह कर रहे हो, मोस्टली डंजन का ही ले लो, मैनुअल सेव जो सोलो में होता है मल्टीप्लेयर में नहीं होता। तो लाइक आप लोग जो डंजन वगैरह कर रहे हो और आपने कुछ उठा लिया, मतलब जैसे मैं अभी पत्थर वगैरह, अब डंजन में सपोज तुमने किसी बॉस को हरा दिया और सिर्फ अभी बेस पे जाना है, उसके बीच गेम क्रैश होने वाला हो तो मैनुअल सेव कर लेने का। इससे क्या होगा कि देखो जैसे मैंने मैनुअल सेव किया, तो इससे क्या होगा कि जहाँ पे आपने मैनुअल सेव किया उसका गेम क्रैश होता है तो गेम वापस वही आएगा जहाँ आपने मैनुअल सेव किया, मतलब गेम वही पे सेव हो जाएगा। तो आई थिंक मैं भी थोड़ा सा बताया, मैं एक्सप्लेन करने में बताने को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इशू आ रहा है बट समझ जाओ यार, मुश्किल है ऐसी चीज़ें समझाना। प्लीज़ कमेंट में कोई ये चीज़ अच्छे से क्लियर कर दो, मैं बंदों को क्लियर करवाना चाहता हूँ। बाकी ये टाइडी सेव की एक ओपी सेटिंग है, और टाइडी सेव का क्या सीन होता है, बहुत बंदे इस चीज़ को लेके कंफ्यूज होते हैं कि टाइडी सेव से अपने डायनोस भी जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अब देखो मैं तुम लोग को परफेक्ट एग्जाम्पल, ठीक है, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल मेरे पास है अभी। तो देखो यहाँ पे तुम लोग बियर डैम से देख सकते हो, अब टाइडी सेव का क्या होता है, टाइडी सेव सिर्फ वाइल्ड डायनोस पे वर्क करता है, टेम डायनोस पे नहीं, ये दिमाग में अपने खोपड़े में डाल दो बात, ठीक है। अभी यहाँ पे तुमने देखे मेरे बियर डैम से बियर जो मैंने टेम नहीं करके देखे वाइल्ड है, जिसमें ले बियर बना, बियर क्या बोल रहा हूँ, डैम बनाते यार। सो टाइडी सेव से क्या होता है, तो मैं तुम लोग देखो एक सेकंड मैं करके दिखा देता हूँ, तुम लोग सही से समझ जाओगे। देखो मैं टाइडी सेव किया, इससे गेम भी सेव हो जाता है। अब देखो एक चीज़ सही से बता दो, ध्यान से सुनो, टाइडी सेव सिर्फ वाइल्ड डायनोस को अफेक्ट करता है, टेम्ड को नहीं। अब जो भी डायनोस वाइल्ड डायनोस रेंडर के बाहर है वो जो डायरेक्ट इससे गायब हो जाएंगे, वाइप हो जाएंगे। अब तुम लोग अगर क्वेश्चन ये देखो, और व्यूअर जो है यहाँ पे तो डैम श्योरली मेरे प्यारे से व्यूअर जो डैम बनाते हैं जो गायब हो चुके हैं, और यहाँ पे जितने भी सारे डायनोस सारे गायब हो जाएंगे और न्यू वाले स्पॉन होंगे। और वापस एक बार बता दूँ, अब तुम लोग सोचो कि रेंडर के बाहर अगर हमारे टेम डायनो है तो टेम डायनोस जो है वाइप नहीं होंगे, डोंट वरी। जो टेम नहीं है जैसे मैं व्यूअर्स नहीं थे, अब देखो यहाँ पे स्पॉन भी ले लिया इसने इतने जल्दी, सो ये स्पॉन नहीं थे, इन्होंने अब भी स्पॉन लिया। ये देखो अब ब्राउन तो तुम लोगों ने देखा यहाँ पे स्पॉन नहीं था लेकिन अब भी स्पॉन लिया। तो टाइडी सेव मोस्टली किस काम आता है पता है, ये मल्टीप्लेयर में नहीं होता, सोलो में होता है। टाइडी सेव देखो बहुत बंदे बोलते हैं कि अगर यूनिकॉर्न लाइक आपके सोलो में इसमें वर्ल्ड में मर चुका है रैंडमली किसी डायनोस को मार दिया और क्या सिंप्लांट नहीं है, तो
यूनिकॉर्न वापस स्पॉन नहीं लेता मरने के बाद, तो ऐसा वक्त में जो है टाइडी सेव किया जाता है, ऐसा बोला जाता है, मतलब टाइडी सेव करने के बाद वापस स्पॉन ले लेगा। एक बार अगर यूनिकॉर्न मर गया तो वापस स्पॉन नहीं ले सकता, ऐसा बोला जाता है। मेरे को नहीं पता बाकी चीजें क्या है, ये समस्या है। तो ऐसा बोला जाता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बाकी टाइडी सेव ऐसे कर सकते हैं। या सपोज आपको कोई अच्छे डायनो नहीं मिल रहे, लाइक अच्छे लेवल का डायनो नहीं मिल रहा, आप सोच रहे यार, जस्ट इसका ध्यान रखना कि अगर तुम्हारे पास बीवर डैम वगैरह है तो मेक श्योर कि आप टाइडी सेव ना करो, वरना सारे उड़ जाएंगे। या एक काम करो, इसके लिए इजी वे बता रहा हूँ, उन बियर्स के पास या उन सारे बियर्स के पास में लेके आओ, वो आपके रेंडर में होनी चाहिए, आप उनके देख पाओ, इतने उसका टाइडी सेव करोगे तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर वो भले ही सारी चीज़ आएंगे वो आपके टेम डायनो और वो जो भी आपके रेंडर में वो नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से टाइडी सेव वर्क करता है। डिसेबल ग्लोबल चैट की जो सेटिंग है मैं तुम लोग को ऐसे ही बता सकता था, बट मैं सर्वर में आ गया इसको एक्सप्लेन करने के लिए, कोई बात नहीं। सो देखो डिसेबल ग्लोबल चैट क्या होता है, लाइक मैंने ये जो नॉर्मल ग्लोबल चैट होता है मल्टीप्लेयर के अंदर, सोलो के अंदर ग्लोबल चैट नहीं होता, क्योंकि बात करने के लिए कोई नहीं होगा तो कौन सा ग्लोबल चैट। क्या बोलते हैं इसके अंदर, अब क्या होता है कि ग्लोबल चैट में बहुत बार चैट्स चल रही होती है, बहुत सबसे ज़्यादा तो लैट लॉन्ग भेजे जाते हैं, मैं यहाँ पे मेरे को लेने आया, कुछ लोग आपको डरा रहे होंगे कि तेरा बेस तोड़ दूंगा, और ऐसी चीज़ों से आपको फोकस नहीं करना, आपको सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है, जो भी आप टेम बीम करने जा रहे हो चैट पे आपको फोकस नहीं करना, ज़्यादा देर के लिए शांति चाहिए, दिमाग को पढ़ना नहीं है। तो ऐसे वक्त में आप लोग जो डिसेबल ग्लोबल चैट कर दो, चैट सीधा गायब हो जाएगी, आपको सिर्फ अलायंस वगैरह के मैसेजेस आएंगे, मे बी वो भी आती कि नहीं पता नहीं, बट ग्लोबल तो बंद ही हो जाएगी। ओके सो बाकी सेटिंग्स को समझाने के लिए मैं वापस एक बार नॉर्मल गेम में आ गया, पता नहीं मेरे को इतनी जंप्स क्यों मारनी पड़े, बट ठीक है, मैं तुम लोग को अभी डिसेबल ग्लोबल चैट समझा दिया। अब जो है क्या आता है, टैप टू हाइड मैप। अब ये वाली सेटिंग जो है ये बहुत ज़्यादा इजी सेटिंग है, इसके अंदर देखो सपोज मैंने मैप ऑन कर दिया, अब आपको क्या करना है, आपको दोनों उंगली से राइट और लेफ्ट दोनों साइड क्लिक करना है, मतलब एक एक उंगली से एक एक साइड में ऐसे एक साथ दोनों साइड क्लिक करना है आपको, राइट और लेफ्ट ऐसे जस्ट क्लिक करोगे मैप जो खुद ब खुद बंद हो जाएगा। तो ये सेटिंग इस तरीके से वर्क करती है, दोनों साइड में आपको एक एक उंगलियों से साथ में क्लिक करना है, ये होता है टैप टू हाइड। इसको बंद रखोगे तो उसके बाद आप क्लिक करोगे तो सिर्फ आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे और कुछ नहीं। तो ये सेटिंग इतनी कुछ काम की तो मेरे को लगती नहीं, बट तुम्हें मे बी हर सेटिंग कुछ ना कुछ काम करती है। बाकी ये डिसेबल कैमरा शेक का क्या होता है पता है क्या, डिसेबल कैमरा शेक जस्ट एक इफेक्ट देता है गेम में, थोड़ा सा रियलिस्टिक फील कराता है, थोड़ा से खेलने में मज़ा आ जाएगा, लाइक थोड़ा उतना ही और कुछ खास नहीं है, बट डिसेबल कैमरा शेक फिर भी रखा करो, काफ़ी काम की चीज़ है। मैं तुम्हें बता दूँ इसके लिए मेरे पास एक एग्जांपल तो है, देखो आर में ओके यही मैंने वही उस दिन ही मैं मिथ्स के लिए ट्राई की थी। ये क्या करता है मैं तुम लोग को बता देता हूँ। अब देखो कैमरा शेक से तुम लोग को पता चल गया, ऑफकोर्स ऐसे गोली मारोगे तो थोड़ा शेक होगा, थोड़ा सा एडवांस लगेगा और कुछ नहीं। और इसे अगर सपोज तुम डिसेबल करते हो तो नो रिकॉइल गन चला ले के मज़े ले सकते हो, जस्ट तुम लोग गोली मारते जाओगे और ये जो है शेक ही नहीं होगा। तो पीवीपी के अंदर बहुत बार बंदे क्या करते हैं, इसे डिसेबल करते हैं जिससे बिना हिले सब 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 मार सकते हैं, तो ये एक काम की चीज़ है। बाकी बस इतनी सेटिंग्स है और कुछ खास नहीं है इसके अंदर, इतना ही है, होपफुली तुम लोग समझ चुके होंगे। बाकी जो ये डिफॉल्ट नॉर्मल कंट्रोल्स वगैरह की हैप्टिक फीडबैक वो जो ये सारी सेटिंग बेकार है, बाकी कुछ खास नहीं, इतनी सेटिंग्स है जो तुम लोग को समझाने लाइक थी। और आई थिंक इस बार मैंने सारी सेटिंग्स को कवर किया, इसके अलावा अगर मैं इसे कुछ मिस होनी नहीं वाले क्योंकि इतना ही और क्या है। वैसे मेरे को एक बता देना, हैप्टिक फीडबैक डिसेबल हैप्टिक फीडबैक वाली कौन सी सेटिंग है, शायद वो ये होगी कि वो फीडबैक वगैरह मांगते ना, एक बार मेरे को भी मांगा था, गेम स्टक हो गया था मेरा, मे बी उसको डिसेबल रखोगे तो फीडबैक के लिए आएगा नहीं कि भाई फीडबैक दे दो, एक तो भाई गेम वैसे ही तुम अपडेट ला नहीं रहे, तुम्हें फीडबैक चाहिए। एनीवे सो आज के लिए ये दुआ, स्ट्रक्चर हवा में उड़ रहा है, तुम्हें फीडबैक चाहिए, कोई नहीं। सो आज के लिए बस इतना ही, होपफुली ये वीडियो तुम लोग को समझ में आ चुकी होगी, न्यू प्लेयर्स को स्पेशली ये वीडियो समझ में आ चुकी होगी। और देखो मेरे को लगा जूस पी रहा है, इसके अंदर मैंने ड्रिंक बनाया क्योंकि मैं भाई पी के टन ना हो जाए मेरा टेस्ट 0-8। देखो अगर तो न्यू प्लेयर्स को इसमें कोई भी दिक्कत आए, तुम लोग को कुछ समझ में ना आ रहा तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं उसे परफेक्टली सॉल्व कर दूंगा। और ज़्यादा क्वेश्चन हो तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी आज के लिए बस इतना है, मैं तुम लोग को नेक्स्ट एपिसोड में मिलता हूँ, और कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ कमेंट कर लेना, बिना हिचकिचाए मैं सॉल्व कर दूंगा। और मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो अगर तुम लोग चाहो तो। बाकी आज के लिए बस इतना है, मैं तुम लोग को नेक्स्ट एपिसोड में मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।